हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोई ना कोई टॉपिक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस वर्ड का मीनिंग जानते हैं कि स्ट्रेस का क्या मतलब होता है। तो स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं तनाव या फिर चिंता, कि किसी चीज़ को लेकर के वरी हो जाना या फिर प्रेशर में आ जाना, यानी कि किसी चीज़ को लेकर के चिंता करना या फिर तनाव करना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न इन प्रेजेंट एज, यानी कि आजकल के टाइम में क्या है, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न बन गया, यानी कि एक बहुत ही आम हो गया। हर एक पर्सन को आजकल ये स्ट्रेस का जो दौर है वो फेस करना पड़ रहा है, यानी कि ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है स्ट्रेस प्रेजेंट एज में। इट इफेक्ट ऑन द हेल्थ इज रिजल्टिंग इन टू द वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बॉडी। तो ये जो स्ट्रेस है, ये हर एक पर्सन यानी कि जो इस स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसको ये फिजिकली भी एक मतलब उसको हेल्थ से इशू, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। अगर वो स्ट्रेस में जा रहा है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि उसको जो है साइकोलॉजिकल भी वो डिसऑर्डर में जा रहा है और फिजिकली भी वो डिसऑर्डर में जा रहा है, यानी कि दोनों चीज़ों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इन प्रेजेंट डे वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक द ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, माइग्रेन आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज। जैसे कि हमने अभी बात की कि इससे क्या है, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, फिजिकली लोग बीमार हो रहे हैं। कैसे, जब वो तनाव लेते हैं यानी कि जब किसी चीज़ को लेकर के वो चिंता होते हैं, वरीज होते हैं, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कई पर्सन को हार्ट अटैक आ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से जो है ग्रसित हो गए हैं। कई को माइग्रेन्स हो जाते हैं और ये सारी जो कुछ बीमारियां हैं जो जो कि स्ट्रेस की वजह से होती हैं। अब हम एक सैली की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। स्ट्रेस क्या करता है, हमारी जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, यानी कि जब स्ट्रेस होता है तो हमारी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है, यानी कि वो पूरी हमारी एनर्जी को सोख लेता है स्ट्रेस। तो ये क्या, हमारी एनर्जी को बिल्कुल जला देता है, बर्न कर देता है स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें काफ़ी सारी फिजिकली प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती हैं। देन बर्न एंड वुडवर्थ डिफाइंड। बर्न एंड वुडवर्थ ने क्या बोला है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस एज अ स्टेट ऑफ स्ट्रेन वेदर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को स्ट्रेन भी बोला है, जो कि फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा तनाव से भरा होता है। हैरी एंड गॉट्सफील्ड डिफाइन, उन्होंने स्ट्रेस के बारे में बोला है, स्ट्रेस एज एनी इंटरफेरेंस विच डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट एनी लेवल एंड प्रोड्यूस अ सिचुएशन नेचुरल फॉर ऑर्गेनिज्म टू अवॉइड। कि स्ट्रेस क्या कर रहा है, इंटरफेयर्स कर रहा है, यानी कि जो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उनको अच्छे से काम नहीं करने दे रहा है। हमारी बॉडी कैसे चलती है, जब हमें न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को ये स्ट्रेस क्या कर रहा है, बर्न कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है, यानी कि वो हमारे ऑर्गन्स को, ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, यानी कि वो पूरे नॉर्मल सिचुएशन पर हमारे ऑर्गेनिज्म को आने नहीं दे रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या कर रहा है, हमारे फिजिकली तौर पर हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। फ्रॉम अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट द स्ट्रेस वर्क एट द बोथ लेवल। अब जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशंस में पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या कर रहा है, हमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों लेवल पर हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इट मीन्स दैट इज स्ट्रेस अ पर्सन हैज़ टू यूटिलाइज इट्स बॉडी एंड माइंड मोर देन द नॉर्मल रूटीन, यानी कि जब स्ट्रेस होता है तब वो फिजिकली और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पर क्या है वो अपनी जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे उसका रूटीन होता है वो रूटीन से ज़्यादा वो तनाव की वजह से उसकी बॉडी और उसका जो मेंटल लेवल है दोनों ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आता है सेले हैज़ डिस्क्राइब द वेल इज़ दिस स्ट्रेस मॉडल कॉल्ड द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम अंडर 3 स्टेजेस। तो सेले ने इन्होंने जो स्ट्रेस है उसको क्या बोला है कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम गैस, इसको नाम दिया इन्होंने जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो कि उन्होंने 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है, यानी कि उन्होंने स्ट्रेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेज आता है इसमें अलार्म रिएक्शन या फिर अलार्म स्टेज। इन दिस फेज द एक्सेसिव स्ट्रेस ऑल बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म आर अलार्म बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स जब एक्सेसिव स्ट्रेस होता है यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तब जो हमारा बायोलॉजिकल लेवल होता है यानी कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है अलार्म कर देता है, यानी कि अलर्ट कर देता है हमारे जो नर्वस सिस्टम जो होता है, जो ये सारा हमारा फीलिंग्स जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन करने का जो सिस्टम होता है वो सारा कौन हैंडल करता है, नर्वस सिस्टम हैंडल करता है। तो उसको ये अलार्म भेजता है यानी कि उसको एक्टिवेट कर देता है और फिजियोलॉजिकल चेंज दैट प्रोड्यूस एनर्जी गेट एक्टिवेटेड और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। और ये जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जब स्ट्रेस होता है तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाती है। देन सेकेंड स्टेज आती है इसमें रेजिस्टेंस स्टेज। तो रेजिस्टेंस स्टेज में रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं हम, प्रतिरोध करना यानी कि प्रतिरोधक क्षमता। तो इसमें क्या आता है कि ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर एक्टिवेटेड टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रेजिस्ट द स्ट्रेस, यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट क्यों होते हैं, ताकि जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं या कोई पर्सन जो स्ट्रेस ले रहा है उसको वो सहन कर सके, यानी कि उसको वो बर्दाश्त करने की उसकी क्षमता बढ़ जाए, यानी कि वो जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो इतना एक्टिव हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है ताकि जब स्ट्रेस हो तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। हमारे बॉडी में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उस स्ट्रेस को ज़्यादा हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट ना होने दे। दिस इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक राइज इन द ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्मोन लेवल, हार्ट बीट। यानी कि जब ये हो स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, हार्मोन लेवल चेंजेस आ जाते हैं, हार्ट बीट में इफ़ेक्ट होने लग जाता है। दस इन द स्टेजेस एन इंडिविजुअल मेक मैक्सिमल अटेम्प्ट टू कंट्रोल स्ट्रेस। तो एक पर्सन जो नॉर्मल पर्सन है उसे जब स्ट्रेस होता है तो वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाता है कि वो स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके। टू अवेल his all the capacity of resist stress means वो इस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करना शुरू करता है, यानी कि इससे वो ताकि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा हार्म ना होने दे। देन थर्ड स्टेज आता है इसमें एक्सोजन स्टेज। If stress continues, then resources start to deplete and the person loses its ability to resist stress. Means जब stress जो है वो continue अपना process कर रहा है, यानी कि हमारी जो resistance power है वो भी effect नहीं कर रही है और stress जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो अपना continue power में चल रहा है, तो क्या होता है, मीन्स एक पर्सन है वो इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। मीन्स वो एक खालीपन महसूस करता है, मीन्स वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है या फिर वो पर्सन अपना एबिलिटी यानी कि जो उसकी स्ट्रेस को कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो ख़त्म होने लग जाती है। दिस मे लीड टू द वीकनेस एंड द
डेथ, और इसकी वजह से क्या है, वो वीक फील करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसे पेशेंट को डेथ का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि वो, आपने कई बार देखा होगा कि स्ट्रेस की वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं। दिस ऑल स्टेजेस आर डिस्क्राइब बाय सेले एट द फिजियोलॉजिकल लेवल, बट दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल एट द साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो। यानी कि अभी जो हमने ये थ्री स्टेजेस पढ़ी थी ऊपर, ये इन्होंने सिर्फ फिजियोलॉजिकल, जैसे जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही थी, ठीक है, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल, ये हमारे मेंटली, जो हम फिजिकल, हम खुद को बोलते हैं कि हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो जब ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है तो ये कैसे इफेक्ट करती है। एट द फर्स्ट अलार्म स्टेज द अल्टरनेस एंड द अरोजल ऑफ द ब्रेन टेक्स प्लेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस एक्टिवेटेड लाइक द थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी। मीन्स जैसे कि हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, अलार्म डिटेक्शन में वो क्या करता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता था, और वो क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था। तो अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है कि वो ब्रेन को क्या करता है, जगा देता है, अवेक कर देता है, देन कॉग्निटिव प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स एक्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि उसका जो नोइंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो उस चीज़ के बारे में सोचना, यानी कि रीजनिंग, थिंकिंग, और अपनी मेमोरी को अवेक करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी मेमोरी को, अपनी सोच को वो जगाना शुरू कर देता है, यानी कि उसने अपने बॉडी, उसने क्या किया, अलार्म कर दिया, यानी कि उसको जागृत कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, ताकि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, उस सिचुएशन से बाहर निकल सके, ताकि वो स्ट्रेस में और ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो सके। देन सेकेंड स्टेज में आता है, द सेकेंड स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, द इंडिविजुअल यूटिलाइज ऑल कोपिंग स्ट्रेटजीज टू रेजिस्ट द स्ट्रेस, बट इफ स्ट्रेस कंटिन्यू देन मोर अडेप्टिव बिहेवियर रिएक्शन अपियर्स। तो सेकेंड स्टेज में क्या था कि वो उसकी जो रेजिस्टेंस पावर थी वो यूज़ कर रहा था ताकि वो स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके, मींस जो स्ट्रेस का कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा था उसको वो कंट्रोल कर सके। अगर वो इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पर माल अडेप्टिव बिहेवियर शुरू कर देता है। मींस माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है कि वो खुद को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता है। इंडिविजुअल यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, यानी कि अपने बचाव के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज़ करता है। विद कंटिन्यू स्ट्रेस देन एट द थर्ड स्टेज ऑफ एक्सोजन द कॉग्निटिव फंक्शन स्टार्ट टू डिसऑर्गेनाइज विद एक्सेसिव यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। मीन्स थर्ड स्टेज में क्या था कि जो स्ट्रेस था वो कंटिन्यू प्रोसेस कर रहा था, यानी कि हमारी रेजिस्टेंस पावर भी वहाँ पर काम नहीं आ रही थी, यानी कि स्ट्रेस जो है वो अपने प्रोसेस में जारी था। मींस जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पर जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, तो ये सारा हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पर हम सोचते हैं इस चीज़ को कि किसी चीज़ को हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसे हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि उस मैकेनिज्म को ये डिसऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि हमें उस लेवल पर जाने नहीं दे रहा है। ये स्ट्रेस इतना हैवी हो चुका है साइकोलॉजिकल लेवल पर कि उसने इसको मैनेज ही नहीं होने दे रहा है, यानी कि वो स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर निकलने नहीं दे रहा है स्ट्रेस से। तो ये हमने पढ़ा इसका स्टेजेस, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एक्सर्जन स्टेजेस। तो हमने इसको दोनों लेवल पे पढ़ा, यानी कि वो फिजिकल लेवल पर कैसे इफेक्ट करता है एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसे हमें इफेक्ट कर रहा है। देन इसके बाद हमारे आ जाता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। तो स्ट्रेस को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे फर्स्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर। तो इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम इतना ही इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझना इसको बहुत ही ज़रूरी है। जो इसका बेस है, जो मैंने अभी आपको कराया है, इसका बेस
वो बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बेस पर ही आगे आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले आप इसको समझिए अच्छे से, अगर अब आपको कोई भी इसमें डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अभी तक की जो टॉपिक था अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड जो व्यूअर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।